बड़ी घड़ी की टिक टिक बिग बैंग के बाहर है। हर साल दिसंबर का महीना हमें फॉल ऑफ ढाका यानी सकूते ढाका की याद दिलाता है। जब मैं हम कहता हूँ तो हम सब साउथ एशियंस को, ये साउथ एशिया या भारत और पाकिस्तान से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी अलमिया दास्तान। लाखों लोग इसमें मारे गए। मेरे साथ आज लंदन स्टूडियो से जुड़े हुए हैं हमारे लंदन स्टूडियो के साथी, बहुत ही अच्छे दोस्त प्रियजीत देव सरकार, जो ऑथर भी हैं और उन्होंने इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बुक भी लिखी है, द लास्ट राजा ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। प्रियजीत जी, आपको वेलकम करते हैं लंदन स्टूडियो से। आप हमारे साथ इस वक्त फ़ोन पर जुड़े हुए हैं। जब ये बात हम करते हैं दिसंबर के महीने की, ये हमें बहुत सारी दुख भरी बातें याद दिलाता है, तो आपको दिसंबर का महीना क्या कुछ याद दिलाता है? गोरा साहब, पहले तो बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया आपका शो में आने के लिए। तो पहली बात जो मैं करना चाहता हूँ कि हम पहले उन 30 लाख शहीदों को याद कर ले जो ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, और वो 2 से 4 लाख जो माँ बहने को बेआबरू किया था, तो उनको हम थोड़ा पहले याद कर ले, उनका कुर्बानी। और देखिये, दिसंबर का तो महीना हमारा बड़े सगीर का जो तारीख है, उसमें एक बहुत ही मायूस और वेरी, मतलब इट्स वेरी पैथेटिक, वेरी डिजास्टरफुल, यू नो, लाइक अ मंथ, क्योंकि इतना मासूम बेगुना लोगों का कत्लेआम, ये तो किसी भी मोशरे में शायद एक्सेप्टेबल ना हो, खा वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो। तो मैं इसको अलग कर देता हूँ। अब आप जो आ जाते हैं आप 16 दिसंबर पे, देखिए ये टू नेशन थ्योरी जिसके ऊपर 47 में सब कॉन्टिनेंट का पार्टीशन हुआ था, वो तो 16 दिसंबर को खत्म हो गया। खलीज बंगाल में आपका दो कौमी नजरिया दफन हो गया हमेशा के लिए, दो कौम से तीन कौम बन गया। तो ये थ्योरी गलत साबित हो गई कि ये जो दो कौम है बड़े सगीर का, वो एक साथ नहीं रह सकते, तो इनको अलग कर दो। तो ये तो मतलब 40 साल में खत्म हो गया बात। देखिए, जो दो कौम की बात है वो तो खैर अपनी फाउंडेशन में ही गलत थी, चूंकि उस वक्त दो कौम की बात की कि ये थी कि मुस्लिम एंड हिंदू। आप तो बंगाली हैं, बंगाली मुस्लिम भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, बुद्धिस्ट भी होते हैं, और आई हैपन टू मीट कपल सिख फेलोस who were born in Bengal and they claim Bengalis and they should claim Bengalis, तो वो भी बंगाली हैं। तो कौम तो आप सब एक हैं, आप बंगाली, चाहे आप हिंदू धर्म के हों, चाहे आप मुस्लिम धर्म के हों, आपका अगर उस धरती से, उस भाषा से और उस कल्चर से तल्लक है तो आप तो एक कौम हुए। वो जो एक कौम थे भारत के, वो तो एक नहीं, वो तो दो तीन कौमें नहीं थे, वो तो एक भारतीय थे जो टूटे। तो क्या आपको लगता है कि असल में 71 में जो फॉल ऑफ ढाका होता है, बांग्लादेश जो बनता है, वो असल में एक कौम की स्ट्रगल थी, बंगालियों की स्ट्रगल थी, दूसरी सप्रेस, जो उनको सप्रेस करने वाली कौमें थी उनके बारे में, यानी मैं खुल के बात करता हूँ, पंजाबी आर्मी ने ये सारा जब एक्शन लिया, पंजाबी आर्मी भी पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी ने, तो उससे अपने आप को एक बड़ी कौम ने अलग किया, उसका नाम था बंगाली। मैं क्या दुरुस्त हूँ अपनी इस assertion में? जी बिल्कुल। देखिए, मैं आप तारीख में अगर चले जाए तो 47 के बाद पहला जो मूवमेंट पाकिस्तान का तारीख में हुआ था, वो ईस्ट पाकिस्तान से शुरू हुआ था, वो था लैंग्वेज मूवमेंट। क्योंकि ये जो आपका वेस्ट पाकिस्तान का जो हुक्मरान थे, वो जाके उधर कह दिया कि आपका 5000 साल पुराना जो बंगाली लैंग्वेज है, मतलब उसका वेरियस शक्ल में, आज का शक्ल में तो शायद नहीं, लेकिन बहुत पुराना जबान है,
उन्होंने कहा कि ये आपका जबान नहीं, आपका जबान उर्दू है। तो उधर ढाका यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गया, फिर पुलिस एक्शन हुआ, फायरिंग हुआ, उसमें बहुत बहुत बेसुम मासूम स्टूडेंट शहीद हुए। और फिर इस पाकिस्तान को मतलब बंगाली का दर्जा जो नेशनल लैंग्वेज का वो मिल गया, मतलब द वेस्ट पाकिस्तान इज हैड टू कंसीड डिफीट। और इस बात का ये शिरकत है कि आप देखिए यूनाइटेड नेशन में 21 फरवरी जो दिन था जिसमें ये ढाका यूनिवर्सिटी में ये आंदोलन जैसा अपराइजिंग शुरू हुआ, दैट इज टुडे नाउ ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मदर लैंग्वेज डे है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, बहुत सिग्निफिकेंट बात है। पूरी दुनिया में हम 21 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ लैंग्वेज मनाते हैं, और उसका कारण ये था कि उर्दू और पंजाबी के नाम पर बंगालियों का और बंगाली ज़ुबान का एक्सप्लॉइट हुआ, उनका मर्डर हुआ, और उस पर अब पूरी दुनिया याद करती है कि इंटरनेशनल डे ऑफ लैंग्वेज जो UNO सेलिब्रेट करती है कि उसका कारण ये था कि इन्होंने मर्डर किए बंगाली और बंगाली भाषा को मर्डर करना चाहा, और अब ये पूरी दुनिया के लिए एक तरह से शेम है जिन्होंने ये किया था। मैं आता हूँ आपकी बुक की तरफ, थोड़ा सा हमें ये बताइए द लास्ट राजा ऑफ वेस्ट बंगाल जो आपने लिखी, उसमें क्या है, किस बात का फोकस है? ये लास्ट राजा ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, तो ये जो है जी वेस्ट पाकिस्तान, मैं तो आपको मालूम है मैं भी हिस्ट्री का ही तालिब हूँ, तो सॉरी एक्सक्यूज मी जी। तो मैं जब 1970 का एक हिस्टोरिक इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान का तारीख में, शायद मेरा हिसाब से वो वन एंड ओनली फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आजकल का जो इलेक्शन हो रहा है उस टाइप का नहीं हुआ था। तो सॉरी एक्सक्यूज मी, तो उसमें ये ईस्ट पाकिस्तान से 152 सीट था शायद सेंटर में, सेनेट में, तो उसमें 150 सीट तो शेख मुजीबुर रहमान जीत गए आवामी लीग, जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी उभर के आए, जिनको हुकूमत करने का ख्वाब भी था और उन्हें मैंडेट भी था आवाम का। तो और दो सीट में, एक सीट में था नूरुल अमीन ढाका से, जो उनको वहां का मेयर था इंडिपेंडेंट, वो जीते थे। और दूसरा सीट जब मैं देखा वो चिटागोंग चट्टोग्राम से था कोई राजा त्रिदेव रॉय, तो मैं नाम देख के बड़ा हैरान हुआ कि त्रिदेव रॉय तो एक बंगाली नाम है, आपको भी मालूम है, आपको भी शायद बहुत से आपका भी दोस्त होंगे ऐसा कोई। तो उसमें मैं थोड़ा और स्टडी किया, फिर देखा कि ये तो चिटागोंग, क्योंकि चिटागोंग जो है ना वो चकमा बेल्ट और हिल ट्रैक्स, वो एक ऑटोनोमस टाइप का रीजन, जैसे आपका आज का अगर आप फाटा देख ले या स्वात देख ले, उस टाइप का इलाका है वो चिटागोंग। और वो इंडिया का बॉर्डर से भी बड़ा नजदीक है, बर्मा का बॉर्डर से नजदीक है, चिटागोंग पोर्ट से बड़ा नजदीक है, तो एक बहुत ही वाइटल स्ट्रेटेजिक पॉइंट था जियोग्राफिकली, मतलब उसमें तीनों इंटरनेशनल बाउंड्री मिलते हैं, जो मेन शिपिंग पोर्ट है इस पाकिस्तान का बांग्लादेश, तब तो इस पाकिस्तान था अब तो बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का जो मेन शिपिंग पोर्ट उसका गेटवे है, तो काफी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट जगह था वो जियोग्राफिकली। और वहां से अगर कोई आवामी लीग का खिलाफ जीतता है तो मैं थोड़ा मतलब आई वॉज वेरी एस्टोनिश्ड। और मैं फिर बहुत रिसर्च किया और देखा कि ये जो राजा साहब थे इन्होंने जो है ना ये आपका वो याया खान और भुट्टो साहब का बड़े दोस्त थे और उनका बहुत खास थे, तो उन्होंने मिलके उधर वो राजा कारवाहिनी भी बनाई चिटागोंग का, और मुक्ति वाहिनी के खिलाफ बहुत से एक्शन भी किए, क्योंकि वो एक बहुत ईजी रूट था ये मुक्ति वाहिनी, जब वो बॉर्डर क्रॉस करके या फिर जो 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 रिफ्यूजी जाते थे, तो वो चिटागोंग एरिया काफी हिली था और उसमें काफी फॉरेस्ट भी था, तो वहां से ट्रेसपासिंग बहुत इजी था इंडिया के बॉर्डर में, तो इसलिए वो उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने काफी पंजाबी आर्मी के साथ मिलके काफी बड़े बड़े एक्शन किए। फिर शायद 12 दिसंबर को इन्हें लग पता चल गया था कि ये ढाका जो है ना ये अभी फॉल होने वाला है, तो उन्होंने अपना किंगडम छोड़ के सीधा कराची आ गए 12 तारीख को, और वो इन कोर्ट इन एग्जाइल उन्होंने सेटअप कर लिया कराची में कि मैं वो ईस्ट पाकिस्तान छोड़ के अभी वेस्ट पाकिस्तान आ गया। और फिर बाद में भुट्टो साहब ने उन्हें क्या बोलते हैं पाकिस्तान का प्रेसिडेंसी भी उन्हें ऑफर किया था जब वो इलेक्ट हुए थे ये ईस्ट पाकिस्तान के फॉल के बाद, लेकिन वो आपका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसमें शायद कि कोई एक मजहब के छोड़ कोई और सरबरा नहीं बन सकते, तो राजा साहब को शायद तब कुछ
अंदर अंदर कुछ गिल्टी कॉन्शियस हुए होंगे, तो उन्होंने वो मजहब तब्दील नहीं किया, नहीं तो वो शायद वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी बन सकते थे। लेकिन बहरहाल उनको फिर अर्जेंटीना दूर वहाँ सफीर लगा के कुछ 12-15 साल के लिए भुट्टो साहब ने उन्हें उधर भेज दिया। तो उनका एक क्रेडिबल जो अचीवमेंट है, मैं ये हर किसी फोरम में पूछता हूँ कि ये पाकिस्तानी स्पेशली जो ये एस्टेब्लिशमेंट है, ये बड़ा अपने आप को अरब कल्चर और अरब यू नो एंसेस्ट्री से जोड़ते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि शायद आपको भी मालूम हो या ना हो, कि कोई भी मिडिल ईस्ट का कंट्री में या कहीं भी कोई मेजर सिटी का एक सेंटर स्क्वायर या पार्क ऐसा कुछ पाकिस्तान का नाम का हो, ये आपको मिलेगा ब्यूनस आयर्स में, अर्जेंटीना का कैपिटल में। वहाँ का एक सेंट्रल उनका जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक पार्क है प्लाजा डी पाकिस्तान, तो वहाँ पे पाकिस्तान का अभी ये भी है, एक पोस्ट भी है। अच्छा, तो जी, और ये सब ये राजा साहब ने उनका डिप्लोमेसी से किया था कि पाकिस्तान का नाम का एक जमीन का टुकड़ा पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क का कैपिटल में है। तो ये उनका एक बहुत बड़ा, और भी उन्होंने काफी काम किया है, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स वाज दिस। बाद में फिर वो रिटायर होके इस्लामाबाद आ गए और 2012 में उनका फौत हो गया। देखिए प्रिया जी, जो फॉल ऑफ ढाका से पहले जो कुछ हुआ, जो ब्रुटैलिटीज़ हुई और उस पर जो जितनी भी उसकी कंडेम उसको किया जाए कम है, आज अगर हम देखें तो आप बांग्लादेश को किस पोजीशन में देखते हैं? क्या पाकिस्तान से बेहतर पोजीशन है? आप आते जाते रहते हैं, अब आप चूँकि लंदन में बेस हैं तो अब आप जब भी जाते हैं या अपनी बंगाली कम्युनिटी के साथ भी आप रابطے में हैं, तो आज का बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अगर कंपेयर करें तो किस मुकाम पे है? बहुत बहुत ही ज्यादा तरक्की है हो रही है बांग्लादेश में। पाकिस्तान के तो आपको मालूम है कि IMF के पास भी जा रहा है, कभी सुन रहा है कि चाइना के पास जा रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है वो अपने मईशत ठीक करने के लिए। बांग्लादेश का तो ऐसा हाल नहीं है, उनका GDP काफी बेहतर हुआ है पिछले 10 साल में, और स्पेशली अंडर द करंट पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ शेख हसीना मैडम, तो आई थिंक द कंट्री इज सीन अ फिनोमिनल ग्रोथ एंड अ वेरी गुड रिलेशन विद इंडिया एज अ नेबर। क्योंकि ये जब 71 के बाद एक इंदिरा मुजीब एक अकॉर्ड हुआ था वो लैंड बाउंड्री सेटल करने के लिए, तो दैट द प्रेजेंट इंडियन लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब एंड हर एक्सलेंसी मैडम हसीना, दे हैव साइन दैट एग्रीमेंट एंड इम्प्लीमेंटेड इट। आपको मालूम होगा ये इनक्लेव्स का भी स्वैपिंग हो गया और यू नो ऑल द बाउंड्रीज हैव बीन सेटल्ड विदाउट इवन फायरिंग अ सिंगल बुलेट। तो ये शायद एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है ग्लोबल वर्ल्ड कम्युनिटी स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में, कि दोनों फरीक आपस में बैठ के मिलजुल के बातचीत से ये अपना मसले हल कर सकते हैं, ये इसके एक मॉडल है हमारे पास। आपने दुरुस्त कहा, कभी हमने ढाका को यानी बांग्लादेश को कशकोल लेकर दुनिया के पास जाते नहीं देखा, ना वो इस तरह के सिफियर डेफिसिट का शिकार हैं, उनकी इकॉनमी भी ठीक चल रही है, उनकी गुड्स भी पूरी दुनिया में नज़र आती हैं और कोई उनके बारे में किसी किस्म की, बांग्लादेश इज़ वन ऑफ दोज रेयर इस्लामिक कंट्रीज़ जिनके बारे में कोई टेररिज्म के भी चार्जेस नहीं उनके सिटीजन्स के बारे में, एक दो को छोड़ के कोई नहीं लगते, कोई इश्यूज नहीं होते। एक बहुत बड़ी हिंदू बंगाली कम्युनिटी भी बांग्लादेश में है और उनको भी अपने हिंदू होने के साथ साथ अपने बंगाली होने पर फ़ख्र है, चूँकि वो अपने आप को बंगाली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट समझते हैं। यही मामला बांग्लादेश के मुसलमानों का भी है, वो भी अपने आप को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बंगाली समझते हैं। तो ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन या परसेप्शन या फीलिंग है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे हम लोग पहले बंगाली हैं, उसके बाद जो बांग्लादेश का है वो तो उनका देश है, मैं तो इंडिया से हूँ तो आई एम एन इंडियन फर्स्ट। हाउएवर बंगाली जो है इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म, मतलब जो बंगला भाषा बोलते हैं, बंगला कल्चर अडॉप्ट करते, इसमें मजहब का कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। आपको ईसाई बंगाली भी मिलेगा, आप जैसे कि बड़े सिख है, मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, अभी मैं ये वेस्ट बंगाल इंडिया कलकत्ता का एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार जो है आज का, वो तो पंजाबी है बट ही इज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन
कलकत्ता तो वो फ्लुएंट बंगला बोलते हैं, ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज़ बंगाली, तो वही मैं कह रहा हूँ, मतलब बहुत कल्चरल, बहुत इंटीग्रेशन है। और सेम चीज आपको बांग्लादेश में भी मिले, बांग्लादेश में भी शायद मैं दो चार ऐसे इंसानों को जानता हूँ जो आपका राजस्थान मारवाड़ से, जो मारवाड़ी जिसे कहते हैं हिंदू मारवाड़ी, वो तब से मतलब इस पाकिस्तान के टाइम से वहां पे, तो वो लोग भी अपने आप को बंगाली कहते हैं। फिर एक एक और बहुत ही नायाब किस्म के, थोड़ा कम्युनिटी बच गया है उनका, वो है उन्हें कहते हैं कुट्टी। तो कुट्टी जो होते हैं वो है आपका चेन्नई मद्रास से, कुछ लोग बड़े मतलब 100 साल से भी पहले वो लोग ढाका में जाके बस गए, तो उनको कहते हैं ना ढाका का कुट्टी, वो भी बंगाली है। तो बंगाल इज अ वेरी यू नो डाइवर्स लैंड, व्हेन इट ऑलवेज वेलकम्स एवरीबॉडी विद ओपन आर्म्स। ये हमारा थोड़ा रोशन ख्याल ही है, तो इसलिए हमें कोई एतराज नहीं कि कौन किसका मजहब क्या हो। जैसे शायद ये पाकिस्तान में थोड़ा ये, मैं किसी से भी एक बार पूछ रहा था, तो उन्होंने पहले जब मुझे इंट्रोडक्शन किया था तो वो साहब लाहौर से थे, काफी बड़ा यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन टाइप का, तो उन्होंने कहा, पहले मुझे पूछा कि हजूर आपका आपका मजहब क्या है, आप क्या हिंदू है, सिख है, ईसाई है, क्या है? तो मैंने बोला जनाब मैं इंसान हूँ, फिर वो चुप हो गए। तो आप जब ये देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान कोशिश कर रहा है करतारपुर के सिलसिला में इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बढ़ाने की तरफ से एक बहरहाल एक कोशिश नज़र आती है, मगर इंडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ बिल्कुल मुतमइन नहीं है, वो ये कहते हैं कि ये सब दिखावे की बात है, मगर इस तरह का दिखावा पाकिस्तान ने कभी बांग्लादेश अपने बिछड़े हुए टुकड़े या बिछड़े हुए भाई के साथ भी नहीं किया कि कभी उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की जाए? चूँकि बांग्लादेश का शुरू दिन से मुतालबा है कि पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान माफ़ी मांगे उन तकरीबन 3 मिलियन लोगों के मैसीकर पे, जो एक रफ हमारे पास नंबर्स हैं। तो कभी आपको लगता है कि कोई ऐसी पाकिस्तान की कोशिश हो, या बांग्लादेश तो वो इस वक्त ट्रिब्यूनल भी चला रहा है बहुत सालों से, जो मैसीकर में जिन्होंने मदद दी पाकिस्तान आर्मी को उस वक्त, जो जमात इस्लामी बांग्लादेश के लोग हैं, तो पाकिस्तान कभी कोई कोशिश करता है इनको फिक्स करने में? देखिए अभी तक तो नहीं किया है मेरा हिसाब से, आगे योर गेस इज गुड एज माइन, कि कोई अगर ऐसा दानिश्वर स्टेट्समैन लीडर आ जाए पाकिस्तान में जो कहे कि हमारा दुश्मन भूख है, हमारा दुश्मन गरीबी है, हमारा दुश्मन बेरोजगारी है, और ये फालतू का जो अपने ये मजहब का और ये सब का ये दहशतगर्दी का जो दुकान खोला हुआ है ये सब बंद करे, तब डेफिनेटली हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर जब बर्लिन वॉल गिर सकता है तो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में भी पीस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका डीप स्टेट का क्या मंशा है, क्योंकि आपका पॉलिटिशियन जो मर्जी कह ले, आप वो किसी ने कहा था कि वो आपका जो एक्स फॉरेन मिनिस्टर था कि वी नीड टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, तो मैंने एक फोरम पे एक क्वेश्चन रेज किया था, विच हाउस, इज इट द हाउस ऑफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद? आखिर में आप फॉल ऑफ ढाका के कॉन्टेक्स्ट में कोई ऐसी बात करना चाहें जो आप इम्पोर्टेंट समझें? जी, फॉल ऑफ ढाका मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत ही एक सैड और वेरी अपसेटिंग इवेंट था। ऑब्वियसली इट रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, विच इज अ वेरी प्रोग्रेसिव इवेंट इन द सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री, लेकिन मेरा हिसाब से इतना ब्लडशेड और इतना वायलेंस अगेंस्ट स्पेशली वुमेन, इस सब का थोड़ा यू नो द ये जो वैशीपन पंजाबी आर्मी का जो था, ये पूरा खुल के चेहरा अभी तक शायद पूरा दुनिया को नजर ना आया हो, लेकिन इट इज अ रेफरेंस पॉइंट इन हिस्ट्री, और अगर इनसे ये आपका एस्टेब्लिशमेंट अगर सबक ना सीखे तो शायद उन्हें दोबारा भी इधर ऐसा कोई हादसा का शिकार होना पड़े आगे इन द फ्यूचर। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब तारीख से ना जो है ना लर्न आवर लेसंस and we must move on in the right direction of peace, not in you know the doctrine of ki hum hazar saal ka jang karenge, hum ghas bhi khayenge, pata nahi lal kile mein kon kon sa parchim bhi lehrayenge, ye sab aap baatein chhode, aap aman ki baat kare, khushhali ki baat kare। dekhiye hamara khitta pura
साउथ ईस्ट एशिया, एशिया क्या पूरा, मैं कहता हूँ इन वन ऑफ द वर्ल्ड इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव कॉरिडोर्स। कि अगर आप सीपैक का बात करें, अगर इंडिया पाकिस्तान में तिजारत खुल जाए तो 10 सीपैक का भी बराबर होगा। आप शायद यू कैन करेक्ट मी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके प्रियजीत जी कि आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया और उसमें एक होप भी है और साथ साथ एक अलार्मिंग फैक्टर भी है कि अगर फिर भी इस सारे बड़े सानहे से कुछ ना सीखा गया तो पाकिस्तान में ऐसी आवाज़ें हैं जो कह रही हैं कि अगर आपने हमारे हकूक दबाए तो एक और बांग्लादेश का वाक़या हो सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि इससे पहले कि ऐसा कुछ हो या इस तरफ हालात और जाएं, चाहिए वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को अपनी राहें दुरुस्त करे। ये उनके अपने इंटरेस्ट में है और इससे उनका अपना भला है। बहुत शुक्रिया प्रियजीत देव सरकार भाई। नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी फॉल ऑफ ढाका के सिलसिला में और हम इस मसला पर और भी बातचीत और भी टॉक शो आपके सामने लाएंगे। आज का टॉक शो देखने का बहुत शुक्रिया।